हेलो एंड वेलकम टू द क्लास मी कंचन एंड यू आर वॉचिंग कंचन क्लासेस आई एम हेयर विद अ न्यू चैप्टर दैट इज लाइट साउंड एंड फोर्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट साउंड और फोर्स के बारे में वन बाय वन हम इनके बारे में स्टडी करेंगे फर्स्ट है लाइट लाइट है क्या सभी को पता होगा कि लाइट क्या है हम अपने घर में जो ट्यूबलाइट है बल्ब हैं ये सब क्या है हमें क्या देते हैं लाइट देते हैं ठीक है लाइट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है वाई डू वी नीड लाइट बिकॉज अगर लाइट नहीं होगी तो जब अंधेरे में हमें कुछ देखना होगा तो वो हमें विजिबल नहीं होगा भी कहाँ पे क्या सामान हमारा पड़ा है इसलिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है एंड सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट जो सब जो सन है वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारा लाइट का सबसे ज़्यादा लाइट हमें कहाँ से मिलती है सन से मिलती है और विदाउट एनी कॉस्ट मिलती है लेकिन जब इवनिंग हो जाती है शाम के टाइम धीरे धीरे जैसे अंधेरा होना स्टार्ट होता है डार्कनेस जब हो जाती है तब हमें क्या करना पड़ता है तब हमें सन तो अपेयर नहीं होता सन की लाइट तो नहीं होती तो फिर हम ट्यूब लाइट्स उनको लाइट, ऑन करके हम अपने ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख लेते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी टू टाइप्स से हैं ल्यूमियस ऑबजेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स ल्यूमियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं दोज ऑब्जेक्ट्स विच गिव ऑफ देअर ओन लाइट मीन्स जो अपने आप लाइट देते हैं उन्हें क्या कहते हैं मीन्स जो जलते हैं और लाइट देते हैं क्या फॉर एग्जाम्पल वी कैन से सन स्टार फायरफ्लाई ये अपने आप हमें लाइट देती हैं एंड दोज ऑब्जेक्ट विच गिव ऑफ लाइट बट दे आर मैन मेड ठीक है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो लाइट तो हमें देते हैं बट वो मैन मेड है मीन्स उन्हें ह्यूमन ने बनाया है फॉर एक्जाम्पल ट्यूबलाइट बल्ब सी एफ एल ट्यूब्स ये सब क्या हैं ये मैन मेड हैं बट ये भी हमें लाइट देते हैं देन नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच डू नॉट गिव ऑफ दियर लाइट ऑन लाइट्स जो अपने आप लाइट्स नहीं देते या उनमें से लाइट नहीं निकलती फॉर एग्जाम्पल टेबल है कार चेयर बेड पेन पैं, पेंसिल ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें लाइट नहीं देती तो हमने क्या डिस्कस किया है लाइट क्या है लाइट एक मीडियम है जो हमें मतलब देखने के लिए हेल्प करता है और इसमें सन जो है सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का जो मतलब हमें डे uh, टाइम में हमें इतनी लाइट मीन्स uh, की उसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट्स इजीली देख सकते हैं देन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स ल्यूमियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच गिव ऑफ दियर ऑन लाइट जो अपनी आप लाइट देते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टार एट्सिट्रा एंड कुछ ऐसे मैन मेड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें लाइट देते हैं हैं वो ट्यूबलाइट बल्ब एटसेट्रा एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट टेबल चेयर कार पेन पेंसिल दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ये था हमारा टॉपिक लाइट का नाउ हाउ लाइट ट्रेवल्स कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक लाइट ट्रेवल कैसे करती है लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है कैसे ट्रैवल करती है जैसे बिल्कुल स्ट्रेट अगर उसके आगे मान लो कि लाइट पास हो रही है और उसके आगे हमने कुछ लगा दिया ठीक है तो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो आगे नहीं जाएगी क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट रास, पाथ चाहिए होता है आप ये एक एक्टिविटी भी घर पे करके देख सकते हैं कि थ्री कार्डबोर्ड्स लीजिए आप थ्री कार्डबोर्ड्स लेने के बाद उनके सेंटर में तीनों के होल कर दीजिए टू में हॉल कर दीजिए थर्ड को आप रहने दीजिए यहाँ पे आप कोई कैंडल ऑन करके देख रखें और फिर उधर से देखने की कोशिश करें तो आपको जो लास्ट कार्डबोर्ड रहेगा वहाँ से आपको लाइट नहीं दिखाई देगी क्योंकि उसका जो मीडियम मतलब पाथ है वो ब्लॉक हो गया है इससे हम कह सकते हैं कि ये जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करती है नाउ नेक्स्ट इज हाउ शेडो फॉर्म शेडो कैसे बनती है शेडो मीन्स कहीं से किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है और उस लाइट का जो पाथ किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो वहाँ से वहाँ उसकी क्या बन जाएगी शेडो बन जाएगी और शेडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है और वो जैसे जैसे वो लाइट का जो मीडियम है वो मतलब डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो शेडो की लेंथ है वो भी छोटी होती जाएगी मीन्स कि वैन द पाथ ऑफ द लाइट इज ब्लॉक बाय सम ऑब्जेक्ट देन इट्स शेडो फॉर्म कि अगर लाइट का लाइट कहीं पे आ रही है और उसका जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया किसी ऑब्जेक्ट ने तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर का पैच बन जाएगा वो उस ऑब्जेक्ट की शेडो कहलाती है और वो शेडो हमेशा कौन से कलर की होती है ब्लैक कलर की होती है और वो ऑब्जेक्ट की जैसे ही होती है और जैसे जैसे सोर्स राइट का जो सोर्स है उस और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो शेडो है वो छोटी होती जाती है ये था हमारा टॉपिक कि शेडो कैसे बनती है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड कि साउंड क्या है साउंड uh, कुछ भी किसी भी टाइप की आवाज हम कह सकते हैं कि अब हम हमारे आसपास इतनी टाइप की साउंड होती हैं कि बर्ड्स की आवाज़ें हो सकती हैं टीवी की हो सकती है मोबाइल फोन की हो सकती है आपके आसपास कोई बोल रहा है और नहीं तो क्लॉक uh, की हम आवाज़ कह सकते हैं कि क्लॉक में भी अगर आप बिल्कुल साइलेंस है तो जो क्लॉक की मीन्स हैंड्स हैं उनकी भी आवाज़ आती है तो अगर कोई रेनफॉल हो रही है तो रेनफॉल की भी आवाज़ आती है कि हम बिना देखे भी हम बता सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है वो सब कैसे पता चलता है मतलब हमारे ईयर से ये डिफ़रेंट डिफरेंट साउंडस है हम उसका पता लगा सकते हैं कि हमारे आस क्या हो रहा है ठीक है साउंड भी टू टाइप से हैं एक नॉइस है एक म्यूज़िक है नॉइस क्या है अनप्लीजेंट साउंड जो हम सुनना पसंद ही नहीं करते जो हमारे मतलब कानों को सुनना अच्छा नहीं लगता दैट इज कॉल्ड नॉइज और म्यूजिक प्लीजेंट साउंड अच्छी सुन मतलब साउंड जिसका दिल करता है कि हम उसको बार बार सुने देट इज़ म्यूजिक नॉइस और म्यूजिक में डिफरेंस भी आ सकता है कि राइट द डिफरेंसिज बिटवीन द नॉइज एंड द म्यूजिक दैन वी कैन से कि नॉइज इज़ अ अनप्लीजेंट साउंड हुम वी कांट वॉन्ट टू लिसन ठीक है ऐसी साउंड जिसे हम सुनना ही नहीं चाहते और म्यूज़िक इट्स अ प्लीजेंट साउंड जिसे हम बार बार सुनना चाहते हैं फिर हम एग्जांपल दे दें कि द वॉइस ऑफ ट्रेन हम कह सकते हैं कि ट्रेन की अगर आवाज़ आती है तो कितनी ऊंची आवाज़ आती है क्लास में अगर टीचर चला जाए तो उस टाइम जो क्लास के स्टूडेंट्स डिस्टर्ब मतलब शोर करते हैं वो एक अनप्लीजेंट साउंड हो जाती है लेकिन म्यूज़िक है इसका एग्जाम्पल हम कहें कि आ, Uh, जैसे किसी भी कोई सॉन्ग आ रहा है किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है हम लता मंगेशकर को सुनना पसंद करते हैं आजकल कर नेहा कक्कड़ को हम सुनना पसंद करते हैं देन इट इज़ इनकी जो साउंड है ये प्लीजेंट साउंड है क्योंकि हम इनको बार बार सुनना चाहते हैं एक मीठी आवाज़ है ठीक है नाउ नॉइज़ पॉल्यूशन की नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है पॉल्यूशन ऑब्वियसली प्रदूषण जिससे हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है ये अनप्लीजेंट साउंड है ये पॉल्यूशन है इसे कहते हैं हम नॉइज पॉल्यूशन पॉल्यूशन ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन ही कर क्रिएट कर सकता है एनिमल से भी ह्यूमन एनिमल uh, से भी पॉल्यूशन हो सकता है ये अनप्लीजेंट साउंड विच आर नॉट गुड फॉर आर ईयर ये जो ऐसी साउंड जो हमारे ईयर के लिए भी अच्छी नहीं है अगर हम इस ऐसे एटमॉसफियर में रहते हैं कि जहाँ पे मतलब इतना पोल्यूशन रहता है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं मान लो हमारा घर किसी रेलवे स्टेशन के पास है तो वहाँ पे तो रेल रेल का मतलब ट्रेनस का आना जाना लगा ही रहता है तो ऐसी जगहों पे रहने से हमारे जो ईयर्स हैं इन पर भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है तो हमें ऐसी प्लेसेस पे रहना चाहिए जहाँ पे इतना नॉइज़ पोल्यूशन ना हो हम टीवी सुन रहे हैं रेडियो सुन रहे हैं या हमने सॉन्ग चलाए हुए हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए कि उसका जो वॉल्यूम है इतना सेट रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि वो फिर हमारे ईयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा देन नाउ नेक्स्ट इज़ फोर्स वाट इज़ फोर्स फोर्स मीन्स बल क्या है बल अ पुश और पुल मीन्स हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या हम उसको पुल कर रहे हैं कोई भी किसी चीज़ को धक्का मार रहे हैं या हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लो कोई टेबल है वो टेबल ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक हम उसको नहीं छेड़ेंगे अगर हम उसे पुश करेंगे या हम उसको पुल करेंगे तभी वो अपनी सीट उस जगह से कहीं और जाएगी अदरवाइज वो ऐसे ही लगी रहेगी हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई ऑब्जेक्ट है सॉलिड चीज जो है हमारे वो तब तक वहीं रहेंगे जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो फोर्स क्या है फोर्स इज अ पुश और पुल फोर्स से हम क्या कर सकते, कर सकते हैं किसी चीज़ को स्ट्रेच करना है स्ट्रेच कर सकते हैं किसी चीज़ को ब्रेक करना है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसी चीज़ को पुल करना है हम पुल कर सकते हैं किसी चीज़ को पुश करना है हम उसको पुश कर सकते हैं तो ये सब क्या है मतलब है हमारे फोर्स के भी फोर्स से क्या होता है वट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स फोर्स से क्या हो सकता है कि हम उसकी आ, कोई शेप चेंज करनी है कोई बड़ा है उसको हमने छोटा कर दिया या हमने उसको और तो ब्रेक कर दिया तो उसकी शेप ही चेंज हो गई उसकी हम स्टेट चेंज कर सकते हैं उसका साइज चेंज कर सकते हैं बड़े से हमने छोटा कर दिया उसको ठीक है तो ये सब क्या है इफ़ेक्ट्स ऑफ द फोर्स कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या है आपने नोट किया होगा कि जब भी हम किसी बॉल को किक करती हैं ठीक है तो किक होने के बाद वो बॉल मूमेंट तो करती है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो बॉल स्टॉप हो जाती है मींस उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है तो ये क्या है ये है फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन ही है जो उस बॉल को रुकने में हेल्प करता है हर जगह फ्रिक्शन है अगर हम चल रहे हैं हम वॉक कर रहे हैं हम वॉक कर रहे हैं तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन है हमारे फुट और हमारे फ्लोर के बीच में ठीक है अगर हम वाटर है फ्लोर पर उसमें उस अंदर भी क्या है फ्रिक्शन है जिससे अदरवाइज हम गिर जाते हैं अगर वेट फ्लोर होता है हम उस पर गिर जाते हैं ये सब किसके कारण है ये फ्रिक्शन के कारण है तो फ्रिक्शन के कारण ही हम ईज़ीली उस पर वॉक फ्लोर पर कर सकते हैं सो फ्रिक्शन इज़ प्रेजेंट एवरी अगर आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो आप उस पर खेलने से पहले आप उसके ऊपर पाउडर या कुछ इस टाइप की चीज़ लगाते हैं लगाते हैं तो वो क्या है वो भी एक फ्रिक्शन के लिए लगाते हैं ताकि जो ईजीली है कि हम उस पर किक कर सकें और हमारा जो गोल है वो हो जाए

then we discuss about the shadow कि how shadows formed shadow means कि light वाले source से अगर light आ रही है और उसके path को किसी object ने block कर दिया है तो वहाँ से वो light उस एक black color का patch create हो जाता है जिसे हम कहते हैं shadow और ये हमेशा black color की होती है then we discuss about sound sounds means बहुत different different type की sounds हो सकती हैं जो हमारे atmosphere से sounds से हम ये बता सकते हैं कि हमारे atmosphere में क्या हो रहा है आसपास स अबाउट द नॉइस एंड म्यूजिक नॉइस क्या है एक प्लीजेंट साउंड है जो हमारे कान सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छी लगती है और अनप्लीजेंट जो म्यूजिक है दैट इज अनप्लीजेंट साउंड टू होम विच वी कॉन्ट वॉन्ट टू हीयर जिसे हम सुनना नहीं चाहते है. फिर हम इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं दैन नेक्स्ट टॉपिक नॉइज़ पोल्यूशन अब जो इतना अनप्लीजेंट साउंड है जिसे हम सुनना नहीं चाहते तो वो क्या है एक पोल्यूशन है एक कौन सा पोल्यूशन इसे कहेंगे हम नॉइज़ पोल्यूशन लाइक कि अगर किसी आसपास गली में कोई फंक्शन uh, हो रहा है तो वहाँ इतना मतलब ऊँची इतनी साउंड होती है डीजे का इतना शोर होता है वो बहुत हमें अनप्लीजेंट लगता है अगर हमें उसे डिस्टर्बेंस होती है तो दैट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन दैन वी डिस्कस्ड अबाउट द फोर्स वट इज़ फोर्स फोर्स इज़ अ पुश और पुल वट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं कि इसकी हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हैं उसका शेप चेंज कर सकते हैं उसका साइज चेंज कर सकते हैं ये सब क्या है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देन वी डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या है कि अगर हम किसी आ, हम चल रहे हैं तो उस पर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम उस फ्लोर पर चल नहीं पाएंगे अगर हम कोई बॉल है वो उस पर हमने किक किया है उसे तो वो धीरे 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 ग्रेजुअली क्या होगी वो स्टॉप हो जाएगी दिस इज ऑल ऑफ ड्यू टू द फ्रिक्शन तो ये था हमारा चैप्टर अगर फिर अगर आपको कोई डाउट रहा है इस वीडियो में कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहिए कंटिन्यू क्लासेस थैंक यू